करेंगे यहाँ पे डिफॉर्मिटी ऑफ द नी, कि नी में कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज हो सकती है, तो तीन के बारे में पढ़ेंगे, नॉकनी, बोनी एंड जेनु डिकर्बेटम। जो नॉकनी होता है इसको जेनु वेलगम भी कहते हैं, और जो बोन लेग्स होते हैं इसको जेनु वेरम भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है अपन इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे ये जेनु वेलगम है और जेनु वेरम एंड जेनु डिकर्बेटम। जो स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे जो जेनु वेलगम है, जो यहाँ पे एंकल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे नीज प्रेजेंट होते हैं। जो एंकल है, एंकल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा दूर, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और जिन नी है इनके बीच का स्पेस हो जाएगा कम। लेकिन जेनु वेरम में क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंकल तो आ जाएंगे पास और नीज चले जाएंगे दूर। ये इससे थोड़ा अलग है, इसमें जो एंकल जो नी है वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाएगा, और अपन इसको पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा फ्लेक्शन, और आगे लेके जाते हैं तो एक्सटेंशन, तो ये हो जाएगा हाइपर एक्सटेंशन में चला जाएगा ये फुट। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, नीज आर अबनॉर्मली अप्रोक्सीमेटेड एंड एंकल अबनॉर्मली डाइवर्जेंट। एंकल डाइवर्जेंट हो गए और जो नीज है वो पास पास आ गए। नीज आर अबनॉर्मली डाइवर्जेंट, एंकल अबनॉर्मली अप्रोक्सीमेटेड। दिख रहा है यहाँ पे इसका ऑपोजिट, नीज आ गए पास, सॉरी एंकल आ गए पास और नीज हो गए दूर। और जो जेनु डिकर्बेटम है इसमें हाइपर एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट, नी जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन हो गया है। अपन बात करेंगे इनके कॉजेज की, कि ये किस कारण से होते हैं। तो इसके कॉजेज की बात करते हैं, सबसे पहले जेनु वेलगम की, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ टू साइड ऑफ द ग्रोथ प्लेट ऑफ द लोअर फीमोरल एपिफाइजिस और अपर टिबियल एपिफाइजिस। यहाँ पे नीज है, यहाँ पर एंकल है, और यहाँ पे है फीमोरल। तो फीमर का जो लोअर पार्ट होता है एपिफाइजिस, और टिबिया का ऊपर वाला जो पार्ट है, इन दोनों में बोथ में अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाते हैं, जिस कारण से नीज है वो पास आ जाते हैं। अब बात करते हैं जेनु वेलगम वेरम की, तो इसमें क्या होता है, डिफेक्ट ग्रोथ इज वन द मीडियल साइड ऑफ द एपिफाइजल प्लेट। इसकी जो मीडियल साइड की जो एपिफाइजल प्लेट होती है उसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, वो डिफेक्ट हो जाती है उसकी ग्रोथ, जिस कारण से ये अपन को देखने को मिलता है यहाँ पर। उसके बाद ये एक और डिजीज के कारण होता है, बोनर डिजीज। उसके अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ जेनुवेरम, ये जेनुवेरम का एक स्पेशल टाइप है, वेयर द पोस्टेरियो मीडियल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल टिबियल एपिफाइसिस फेल्स टू ग्रो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लाइफ। जो मान लो कोई बच्चा हुआ है, उसके जो शुरू के जो 3 ईयर होंगे ना, उसमें जो टीबिया की एपिफाइजियल जो प्लेट होती है, कौन सी वाली, प्रोक्सिमल टिबियल एपिफाइजिस का पोस्टेरियर मीडियल पार्ट जो होता है, उसकी ग्रोथ होती है वो ठीक से नहीं हो पाती है, जिस कारण से अपन को ये डिजीज होती है, और डिजीज के कारण अपन को ये कंडीशन हो जाती है। तो अपन ने यहाँ पे इन दोनों की बात कर ली, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब बात करते हैं जेनो रिकर्बेटम की, तो इसका कॉज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी में माल अब्जॉर्प्शन हो गया है, किसी में माल न्यूट्रिशन वगैरह की कमी आ गई, किसी की बोन है जो ठीक से वर्क नहीं कर पा रही, या फिर वो वीक हो गई है, तो जिस कारण से भी कंडीशन को देखने को मिलती है। उसके बाद होता है मार्फन सिंड्रोम, इसके कारण भी ये ऐसा हो सकता है। उसके बाद एपिफेसल ग्रोथ डिफेक्ट, इन दोनों में भी डिफेक्ट हो रहा था, तो इसमें भी डिफेक्ट होने के कारण जेनो रिकर्बेक्टम हो सकता है। अब अपन ने यहाँ पर इनकी बात कर ली कॉजेस की, अब इनके देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स अपन इन दोनों के देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजियोलॉजिकली अपियर एट द एज ऑफ 2 to 3 ईयर एंड नियरली ऑलवेज करेक्ट्स बाय द एज ऑफ 6 एसोसिएटेड फ्लैट फुट। तो इसमें लिखा हुआ है अपन फिजियोलॉजिकली देखते हैं, मान लो कोई बच्चा हुआ है, उसके 2-3 साल तक तो अपन को ये देखने को मिलेगा, लेकिन अपन इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो भी ये ठीक हो जाएगा, जब तक वो 6 साल का होगा, जब तक वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। और ये एसोसिएट करता है फ्लैट फुट को, इसके कारण अपन को फ्लैट फुट भी हो सकते हैं। अपने फ्लैट फुट में पड़ा था, जो नीज की डिफॉर्मिटी होती है उसके कारण अपन को फ्लैट फुट देखने को मिलता है, भले वो जेनु वेलगम हो या जेनु वेरम हो, उसके कारण फ्लैट फुट हो सकता है। अब उसके बाद इसके आगे बात करते हैं जेनु वेलगम में, द डिग्री ऑफ डिफॉर्मिटी इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द इंटरमेलुलियस डिस्टेंस विद द चाइल्ड लाइनिंग सुपाइन विद द नीज इन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो अपन इसको मेजर कैसे करेंगे, तो
तो इसको अपन मेजर कैसे करेंगे, यहाँ पे जो एंकल है यहाँ पे मीडियल मेडुलर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अपन इन दोनों के डिस्टेंस को देख के मेजर करेंगे कि ये कितना सीवियर है और कितना माइल्ड है। तो सेकंड वाले जेनोवेलगम में भी अपन ऐसे करेगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अपन ये इनको दोनों को देख रहे हैं, जेनोवेलगम जेनोवेरम और जेनोरिकरवेटम को अपन इनको डिफरेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि ताकि इनमें अपन को डिफरेंस अच्छे से पता लग जाए। तो जेनोवेरम में क्या होता है, सेवरिटी ऑफ डिफॉर्मिटी कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू नीज विद द एंकल हेल्ड टुगेदर। अपन इसमें दोनों के जो एंकल इनको पास लाके हैं इनके नीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि कितना सीवियर और कितना माइल्ड है। और इस वाले में अपन इन दोनों के एंकल को देखेंगे और इस वाले में इन दोनों के नीज को देखेंगे, अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आगे लिखा हुआ है, जेनोवेलगम सेकेंडरी टू अ डिजीज सच एज रिकेट्स दिस विल बी फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ द प्राइमरी डिजीज। तो यहाँ पर पहला तो अपन एक कोज देख लेते हैं कि किस कोज के कारण होते हैं, लेकिन इस सेकेंडरी इसके कोज हो सकते हैं जैसे रिकेट्स वगैरह, इसके कारण भी अपन को जेनोवेलगम हो सकते हैं। उसके बाद जेनोवेरम में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस इज मोर देन द 8 सेंटीमीटर, अगर इन दोनों का बिटवीन का जो स्पेस है वो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन फॉर अंडरलाइनिंग कोर्स ऑफ रिक्वायर्ड। तो अपन देखेंगे कि किसको किस कारण से हुआ है, फिर उसका अपन ट्रीटमेंट करेंगे आगे जाके। यहाँ पर इनके कॉजेज भी लिखे हुए हैं, एक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर लिखा है, एक तो इडियोपैथिक हो सकता है जिसके अपन को पता ही नहीं कि किस कारण से हुआ है, और हो सकता है पोस्ट ट्रोमेटिक अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है फिमोरल या टीबिया में, उस कारण भी अपन को ये हो सकता है, डैमेज ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द लोअर फिमोलर और अपर टिबियल एपिफाइसेस और एपिफाइसल प्लेट, इन सब में डैमेज हो जाए जिस कारण भी अपन को ये हो सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट इंफ्लामेटरी डैमेज टू द लेटरल साइड ऑफ द लोअर फिमोलर और अपर टिबियल एपिफाइसल एपिफाइसल प्लेट बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वगैरह के कारण भी अपन को ये हो सकता है। न्यूरोपैथिक कोजेज भी इसके ट्रोमर हो सकता है या उसकी ग्रोथ है वो ठीक से ना हो। उसके बाद है बोन सॉफ्टनिंग रिकेट्स के, अपन ने पढ़ा था रिकेट्स के कारण हो सकता है। उसके बाद है बोन डायाफाइसिस के कारण हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हो सकता है, बोन से वीक हो जाएगी तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। उसके बाद है स्ट्रेचिंग ऑफ जॉइंट, जॉइंट की स्ट्रेचिंग वगैरह के कारण कुछ डिजीजेस होती है उस कारण से हो सकता है, कार्टिलेज थिनिंग के कारण भी हो सकता है। ये सब अपन के ये कॉजेज है जेनोवेलगम के, ये ज़्यादा ये जेनोवेलगम जेनोवेलम के थोड़े कोर्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इन मतलब लगभग एक जैसे ही होते हैं। अब अपन बात करेंगे इनके तीनों के ट्रीटमेंट के बारे में अपन इन तीनों के कोर्सेज देख लिए और इन दोनों के क्लिनिकल फीचर्स भी देख लिए, अब इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट कैसा होगा। स्पॉन्टेनियसली रिकवरी अकर्स इन मोस्ट इडियोपैथिक कोर्स, अ माइल्ड सूज अराइज 3 बाय 16 इंच इज समटाइम प्रिस्क्राइब इफ द इंटरमेलुलियस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर और मोर बाय द एज फॉर द चिल्ड्रन में नीड एन ऑपरेशन। द स्पॉन सुप्राकोंडाइलर क्लोज्ड वेल्ड ऑस्टियोटोमी इज परफॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो वो कंडीशन हो जाएगी ज़्यादा सीवियर, और 10 सेंटीमीटर किस में देख रहे हैं अपन, 4 साल के बच्चे में देख रहे हैं, 4 ईयर की एज के चाइल्ड में अपन देख रहे हैं। अगर उसमें 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर होगी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मीड इंटरनल मेरुलस के बीच का डिस्टेंस, तो उसमें अपन को ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और अपन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं मीडियल सूज अराइज 3 बाय 16 इंच के। उसके बाद इसी तरह से जेनोवेलगम का ट्रीटमेंट भी है, इडियोपैथिक टाइप यूजुअली करेक्ट स्पॉन्टेनियसली। ओके, इडियोपैथिक उसे कहते हैं जिसका अपन को पता ना हो कि किस कारण से हुआ है। सूज विथ आउटर अराइज 3 to 2 इंच यूजुअली प्रिस्क्राइब, अपन यहाँ पे देखा था 3 बाय 16 का और यहाँ पे भी 3 बाय 16 के सूज आउटर अराइज। उसके बाद इफ बाउंडिंग परसिस्ट बियॉन्ड चाइल्डहुड सर्जरी करेक्ट में भी रिक्वायर्ड, अगर वो आगे जाके बढ़ता जा रहा है तो अपन को उसमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, उसको सर्जिकल करेक्शन करके उसको ठीक किया जाएगा। अब बात करेंगे इसके जेनोरिकरवेक्टम की, यहाँ पर जेनोरिकरवेक्टम का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है जिसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है उसको ट्रीट करना। सपोर्ट विथ ब्रेन से इज़ रिक्वायर्ड, तो इनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है अपन को चलाने के लिए।
पर्सन को, और सम केसेस में अपन अपर टिबियल करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी में भी रिक्वायर्ड। तो इनको कभी कभी जो अपर टिबिया है ना उसकी ऑस्टियोटॉमी भी रिक्वायर्ड होती है इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अपन ने आज यहाँ पे देख लिया कि जेनोवेलकम क्या होता है, इसमें नीज पास हो जाएंगे, इसमें नीज दूर चले जाएंगे, इसमें एंकल दूर चले जाएंगे और एंकल इसमें पास हो जाएंगे, तो इन दोनों का ऑपोजिट है। इसमें इसका हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके बाद इनके क्लिनिकल फीचर्स देख लिए अपन ने, ट्रीटमेंट देख लिए अपन ने इनके, कि अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो रिक्वायर्ड होगा। इसमें 8 सेंटीमीटर अपन ने देखा था, काफ़ी ज़्यादा सीवियर होगा। तो अपन को इसमें इतना ही याद रखना है क्योंकि अपन औरतों के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए। और अगर आपको मेरे नोट्स ठीक से समझ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको हाई पिक्चर क्वालिटी पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। सो थैंक यू सो मच।